क्या बात है? आपको कब से अपनी दुर्गा से बात करने के लिए हिचकिचाने की जरूरत पड़ती है? मैं तेरे से तेरे को पहले वादा करना पड़ेगा। वादा? तेरे को वादा करना पड़ेगा कि मैं तेरे को जो भी बताऊंगा तू उसके आगे पीछे का कुछ भी कोई सवाल नहीं करेगी। बस जो मैं बोलूंगा तू मान लेना। ऐसा क्यों कह रहे? क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ तेरे को, बता रहा हूँ मैं, लेकिन तू पहले वादा कर, मैं बता नहीं पाऊंगा फिर। नहीं तो ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ऐसे नहीं, अच्छे से बोल, ऐसे बोल कि मैं वादा करती हूँ मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूं। मामा मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, बताइए। देख बेटा क्या कि वो ना कल तेरी स्टेट रेस है जी, उससे पहले तेरे को मीडिया और प्रेस को बुलाना है। प्रेस और मीडिया? तेरे को उनसे कहना होगा कि गायत्री देवी और ट्रस्टी जी का तूने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था ना, वो उनको फंसाने की तेरी सोची समझी चाल थी। क्या आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, तुम अपना अपने सर पे ले जाओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए हमने हमने दिन रात एक कर दिए, इतनी सारी परेशानियां झेली हमने, माँ के साथ इतनी बेइज्जती होते हुए देखी, इतने अत्याचार होते हुए देखे। बाबा जब आज मैंने सबके सामने अपनी सच्चाई साबित कर दी तो आप मुझे सब कुछ बिगाड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? हाँ बोलिए बाबा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। बाबा भूल गए कैसे माँ की चोटी काट दी गई थी मेरे समाज में? भूल गए आप बाबा कैसे कैसे गांव वालों कितने ताने सुने पड़े हमको, कैसे उन्हें घर की दीवार के बाद दुर्गा गांव का कलंक लिख दिया, दोषी ठहरा दिया मुझे। पांच साल आपकी दुर्गा मुझसे दूर नहीं दौड़ी बाबा, सिर्फ उस बदनामी की वजह से। आप क्यों चाहते मुझे पूरे परिवार को वापस उस बदनामी की तरह धकेलना बाबा? एक तूने मुझसे वादा किया है बेटा, तू कोई सवाल नहीं करेगी? नहीं मैं सवाल करूंगी आपसे, हक है मेरा। मैंने आपको और माँ को दिल से तड़पते हुए देखा है, इतनी मुश्किलों से तो आपका सर ऊंचा उठा पाई हूँ, कैसे आप सबको वापस उस जन्नत में भेज दूँ बाबा? कैसे? गलत के? नहीं बाबा ये गलत है, ये सही नहीं है। बाबा बोलिए, मुझे जवाब चाहिए, बोलिए। कोई जवाब नहीं है मेरे पास तेरे सवालों का, कोई जवाब नहीं है। जो बोल रहा हूँ वो कर दे, दो दिन है बस तेरे पास, सिर्फ दो दिन, सारी दुनिया के सामने अपने सिर पे लल्ले है, जो बोल रहा हूँ वो करते बस, कर दे तैयारी कर दे जल्दी से बाबा, तैयारी शुरू कर दे बस बाबा, बाबा। We'll be right back.
क्या हुआ? अरे दुर्गा, तुम्हारे बाबा आज बड़े मुरझाए हुए से लग रहे थे। आज मुझे कुछ सुनाया भी नहीं। वो मेरे बाबा थे ही नहीं। मेरे बाबा कभी मुझसे नजर नहीं चुराते, झूठ नहीं बोलते मुझसे। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मेरे बाबा के मन में क्या चल रहा है इसे मैं बिल्कुल अनजान। क्यों, क्या कहा उन्होंने? बाबा ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और सबके सामने ये कहूं कि तुम्हारे माँ पापा पे जो मैंने स्विंग ऑपरेशन किया था वो झूठा था। वो मुझे झूठ अपने सर पे लेने कह रहे हैं। वैसे वो झूठ नहीं, सच था। And I'm glad, तुम में नहीं तो उनमें समझ तो आ गई। एक सेकंड, मेरे उस स्टिंग ऑपरेशन को झूठा कहने से सिर्फ तुम्हारा फायदा होगा। वैसे भी तुम इतने वक्त से मेरे पीछे इसी चीज के लिए पड़े थे ना एसपी। बोलो क्या कहा तुमने मेरे पापा से, क्या कह के मजबूर किया उनको? बहुत अच्छे से जानती हो तुम्हें एसपी, जिस तरह से तुम एक दूसरे को देख रहे थे ना, तुमने जरूर कुछ किया है। क्या कहा उनसे जो वो इतने मजबूर हो गए कि मुझे आके वो कह रहे कि मैं झूठ बोलूं? Come on, दुर्गा, कल कोई तुम्हारे घर का सिलेंडर खत्म हो जाए उसमें भी मेरा हाथ होगा। दुर्गा, हर चीज पे मुझ पे ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं। इस सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, समझे तुम? सीधे सीधे से मुझे बताओ कि तुमने बाबा को क्या कहकर मजबूर किया? बताओ मुझे, बोलो। मैंने कह दिया ना, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। सुदस चल, ओके? माँ बाबा कोई तो फोन उठा लो। क्या कहा होगा एसपी ने पापा से ऐसा? क्या बात होगी? मेरी जान का खतरा, यही बात होगी। वरना पापा मुझे ऐसा करने को कभी नहीं कहते। बहुत जरूरी बात है, मैं तेरे घर गया था चाचा चाची का हालचाल पूछने। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो तुझे लेके काफी परेशान है और तुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए। मुझे अभी मिलकर पापा से बात करनी होगी। एसपी, हटो सामने से। ठीक है, जाओ। आइसक्रीम जाओ। क्या नौटंकी है ये? आरती को इस रूम से निकाल कर तुम अपने आप को विनर समझ रही हो तुर्का? तो एक बात ध्यान में रखो, तुमने आरती को बस रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो आज भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी वो कल थी। और तुम्हारे जाने के बाद तो वो मेरी सब कुछ हो जाएगी। जानती हूँ बाहर वाली को घर से बाहर कैसे निकालना है, पर इस वक्त मेरे पास उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो हटो सामने से, मुझे करो। ओके, काम। Guess what? मैं जानता हूं तुम्हारा वो इंपॉर्टेंट काम क्या है और किससे। और डाइवोर्स से पहले मैं तुम्हारा अभी भी पति हूं, और पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ये जिग्सॉ पजल सॉल्व करूं। तो ये लेटर देखो दुर्गा, अगला लेटर आर है। So, अब तुम बस ये सोचो और से क्या हो सकता है, रुतबा, रुपया, you know? मेरे पास फालतू चीजों के लिए कोई टाइम नहीं है। हाँ, आई नो,
आई नो दुर्गा, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। सोचो क्या हो सकता है यार से। हेल्प करना चाहते हो? हाँ, हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, बताओ बताओ तुमने मेरे बापू का सब क्या बोला कि वो ये सब बोलने में मजबूर हो गए? इतनी बेचैनी? ठीक है तुझका, एक मौका देता हूं मैं तुम्हें, अपना झूठ पूरी दुनिया के सामने मान लो और इस बेचैनी से बाहर आ जाओ। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। राज, राज, राज। ए सेट। तुम्हारे बाबा का एक राज हाथ लगाए ने। जिसके बदले में उससे जो चाहे वो करवा सकता हो दुर्गा, बस शर्त ये है कि वो राज मैं किसी से ना कहूं, तुमसे भी। राज? बाबा को कोई राज भी है? क्या राज है वो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।